चलिए, तो हम लोग हमने खत्म कर चुके थे 450 क्वेश्चंस अभी तक खत्म कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 451 का क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी हम लोग खत्म कर चुके, जितने भी पार्ट में बात खत्म किया है, वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। वो हमारा जनरल साइंस नाम से जो प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है, ठीक। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण विधि से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? याद रखना, ऑक्सीजन, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O, फिर सन लाइट से वो फिर सी देता है, सी 6H12O6 प्लस 6CO2, ठीक, ऑक्सीजन प्लस 6H2O जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और H2O सूर्य का विकास एवं क्लोरोफिल आवश्यक होती है। बात करते हैं 53, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन सही है, ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। 55 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो याद रखना, बोरोन, बोरोन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कुछ पादप पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, वे सूक्ष्म पोषक पोषक कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, जिनमें लोहा, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम आदि। पौधे के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिन्हें NPK कहा जाता है। तो याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। 56 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है। बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है? तो आपको याद रखना है, गिल, ठीक है। 58 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पर्ण हरित की भूमिका होती है? तो याद रखना, प्रकाश का अवशोषण, ठीक। बात करते हैं 59 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो याद रखना, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक। बात करते हैं 60 क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? शोषण, बी ऑप्शन सही है, ठीक, शोषण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्वसन के द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 6CO2 + H2O + 686 कैलोरी श्वसन एक उपापचयी प्रक्रिया है। 61 क्वेश्चन, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो याद रखना, श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित पदार्थ पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन का अंग है? तो याद रखना, पत्ती। 63, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो याद रखना है, पेड़ों की पत्तियों में। 64, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, 16। हरे पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 पोषक तत्वों में 9 तत्वों को बेहद पोषक तत्व कहा जाता है, 7 तत्वों को
सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। बेहद पोषक तत्व, कुछ पोषक तत्वों का फसल को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसे बेहद पोषक तत्व कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि। ठीक, बात करते हैं 65 क्वेश्चन। हाइड्रोफाइट कहते हैं, याद रखना, बिना मिट्टी का पौधा। वैसे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। बिना मिट्टी के पौधे को भी हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक, 66 क्वेश्चन। एपी फाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक, डी ऑप्शन सही है। 67, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो याद रखना है हरी सब्जियों में। 68, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखें प्रकाश की। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः जल, ताप, वायु, ये तीनों का होना आवश्यक है। ठीक, 69, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है, तो याद रखना रसारोहण। ठीक, 70, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखना है सोडियम आवश्यक नहीं है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस आवश्यक है। ठीक है, सोडियम नहीं है। 71, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल की सबसे पहले दिया किसने दिया, तो याद रखना सोरेन सोरेन शेन ने। ठीक, 72, अदरक होता है रूपांतरित, याद रखना तना। 73 क्वेश्चन, रेशम किससे उत्पन्न होता है, याद रखना रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ठीक है, प्याज है, 74 क्वेश्चन, प्याज है, तो याद रखना बल्ब। 75, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है, तो याद रखना द्रव का ठोस में विलयन। ठीक, बात करते हैं 76 क्वेश्चन, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो याद रखना न्यू ओस। ठीक, 77, एक भारत हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो याद रखना 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम के बीच। ठीक, बात करते हैं 78, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है, तो याद रखे क्लोरीन, जीनोन, ऑर्गन, हीलियम, तीनों नोबल गैस हैं, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नोबल गैस नहीं है, यह हेलोजन है। नोबल गैस के अंतर्गत हीलियम, ऑर्गन, कैप्टन, जीनोन एवं रेडोन आती हैं। ठीक है, इन 5 गैसों को याद रखिए। 79, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो याद रखिए शुष्क बर्फ। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 80, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना एथिलीन का, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 81, का अपघटन मानव में अल्जहीमर रोग का अभी लक्षण है, तो याद रखना मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जहीमर रोग का लक्षण है। 82, 1 ग्राम वसा देती है, तो याद रखना 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक, 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, 83 क्वेश्चन, सुक्रोज में होता है, तो याद रखना ग्लूकोज प्लस फैक्टोज। ठीक, 84 क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, तो याद रखिए विटामिन के। ठीक, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है,
याद रखना विटामिन ए। ठीक, 86 क्वेश्चन नंबर, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है, तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से। 87 क्वेश्चन, डायबिटीज का कारण है मधुमेह का, तो याद रखना इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मधुमेह रोग होता है। लोहे की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक, 88 क्वेश्चन, मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से, मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है, पूरी मछली में विटामिन ए पाया जाता है। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, तो याद रखना विटामिन डी, 89 का डी है। 90, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्लैंड ग्लैंड भी कहा जाता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक, 91, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, याद रखना पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 92 क्वेश्चन नंबर, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो याद रखना गर्भ नाल से, भ्रूण को भोजन गर्भ नाल के द्वारा प्राप्त होता है। 93 क्वेश्चन नंबर, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है, तो याद रखना तारा मछली, तारा मछली कैंसर के लड़ने के लिए उपयोगी जानवर है। बात करते हैं 94, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखना फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर है, सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेप्स है। ठीक, 95 क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो याद रखना यकृत, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। 96 क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो याद रखना 1350, मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम का होता है, पुरुषों में इसका वजन 450 ग्राम होता है। ठीक, बात करते हैं 497 क्वेश्चन नंबर की, 14 वर्ष की आयु वाले बाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो याद रखना प्रोटीन, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट वसा में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो याद रखना स्प्लीन को, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगार भी कहा जाता है। ठीक है, 99 क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो याद रखना कैलोरी, कैलोरी में खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है। 500वां क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है, तो याद रखना पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में पाए जाने वाले लैंगर हेस द्वीप से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक, चलिए, तो ये थे 500 क्वेश्चन तक खत्म हो गए हमारे, अब आगे बात करेंगे 501 क्वेश्चन से। ठीक।